मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों अभी एक जनगणना आई है कि हमारे देश में हाथियों की संख्या 20% कम हो गई। हमारा जो गजराज है, हमारे जो हाथी हैं एलिफेंट, उनकी संख्या में कमी हो रही है। और ये क्यों कमी हो रही है, इस पर सरकार भी मौन है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। असल में समझ इसलिए नहीं आ रहा कि भारत में जो हाथी हैं वो उनको गणपति के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन उसकी तस्करी भी होती है। उसके जो हाथी दांत हैं, टस्कर हैं, उसको उसकी तस्करी होती है। लेकिन अभी चूंकि भारत में हाथी दांत के बने हुए उत्पाद यानी जितने भी उनके प्रोड्यूस हैं उन सबको बैन कर दिया गया है, तो इसलिए अगर अब तस्करी हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि वो तस्करी किसी काम की होगी, क्योंकि हाथी के कोई सामान तो यहाँ बिक नहीं सकता है। चीन में, मलेशिया, थाईलैंड की तरफ इसकी तस्करी होती थी, लेकिन हमारी सेना और ITBP ने जो सीमाओं को रोक दिया है, वहाँ से जो तस्कर जाते थे उनको उन्होंने अब उनका रास्ता बंद कर दिया, तो वहाँ पर तस्करी नहीं हो सकती है। तो सवाल है कि ये जो हाथियों के दांत की या जो हाथियों की संख्या वो कम क्यों हो रही है? क्या इसका कारण क्लाइमेट चेंज है? क्या इसका कारण जंगलों की घटती संख्या है? क्या इसके कारण जंगलों में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं उसके कारण है और हाथियों के लिए जगह नहीं मिल रही है वो है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर आज बड़ी खबर दी है और उस पर मैं आपको उसके आंकड़े थोड़ा बता देता हूं कि पिछले 5 सालों में 20% की कमी हुई है। जो मध्य भारत और पूर्वी भारत है उसमें 2012 में 2906 हाथी थे, 2017 में ये बढ़कर 3168 हो गए, लेकिन अब 2022-23 में घटकर 1864 हो गए। और वेस्टर्न घाट में जो सबसे रिच है, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से सबसे रिच है ये, तो इसमें इनकी संख्या 16204 थी, जो 2017 में घटकर 14522 हुई, फिर 2022-23 में घटकर ये 11961 हो गई, यानी करीबन 17% की कमी हुई है। और जो शिवालिक गंगेटिक रेंज है, जो हिमाचल और उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क और जो पीलीभीत रिजर्व एरिया है तो टाइगर रिजर्व लेकिन वहाँ हाथी होते हैं, तो इस इलाके में जो बाघों की संख्या है, जो हाथियों की संख्या है उसमें मामूली कमी आई है। यानी 2012 में वो 1637 थे, 2017 में वो 2096 हुए और 2022-23 में वो 2062 हो गए, यानी करीबन आप सोचिए कि 40 के आसपास इसकी संख्या कम हुई है, तो 1.6% की कमी हुई है। और पूरे भारत में 20,747 हाथी थे, जो 2037 में उनकी संख्या कम होकर 19,825 हुई और 2022-23 में 15,887 हो गई है, करीबन 20% की कमी हुई है। इसमें पूर्वोत्तर नहीं है, पूर्वोत्तर मीन्स सिक्किम और जो सेवन सिस्टर्स हैं उनकी संख्या अभी फाइनल नहीं आई है, लेकिन जो 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 एंट्रीम रिपोर्ट आई है उसमें लिखा गया कि 2012 में ये 9,239 थे, 2017 में 10,139 थे, यानी संख्या बढ़ी है, और 2022-23 में इनकी संख्या 9,866 होने की संभावना है। और पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि 2025 में फाइनल रिपोर्ट आएगी और तब नॉर्थ ईस्ट की भी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, तो ये जो संख्या है इसमें कुछ इजाफा हो सकता है, क्योंकि ये बात तो जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव भी मान रहे हैं कि जो हमारे हाथी हैं, गजराज हैं, उनकी जनसंख्या, उनकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, इन्हें बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि चिंता की बात है। और इस चिंता में हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी, क्योंकि सरकार का काम ये एक स्पेशली एक मंत्रालय बना गया है और उसके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, तो उसमें ये कैसे इसमें सरकार काम करेगी, कैसे ये हाथियों की संख्या, हमारे जो गजराज उनकी संख्या बढ़ेगी, उस पर जरूर कोई प्रतिक्रिया आएगी। आपकी प्रतिक्रिया होगी तो जरूर दीजिएगा, मैं इसको आगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरह की पर्यावरण से जुड़ी हुई सारी खबरें आपके लिए लाता रहता हूं। और जो जो ये हाथियों की रिपोर्ट है, चूँकि ये सरकार ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट है, तो जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आती है, वैसे सरकार ने कहा कि 25 में आएगी, लेकिन ये हर 5 साल में होती है, 2017 में रिपोर्ट आई थी, 2022 में आनी चाहिए थी,
और अभी 2024 हो गए, 2 साल पहले ही ऊपर हो चुके हैं, अभी सरकार कह रही है कि 25 में आएगी, तो जैसे इस पर कोई डेवलपमेंट होगा इस पर मैं आपसे बात करूँगा, तो आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।